हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और ये जो क्लिप है, ये हमारी बुधवार की क्लिप है, 30 से एक दिन पहले की क्लिप है। और ये रात के टाइम से मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने व्लॉग कोई शुरू किया नहीं था, जो था वो कंप्लीट किया था पहले वाला ही। सो यहाँ पे ये बना रहे हैं यहाँ सब्जी। आज मेरी छुट्टी है ऐसा नहीं है, एक्चुअली सब्जी थी ही नहीं और इनको लाना था, ये लाए तो लेट हो गए। लेट होने के बाद तो ये पनीर लेके आए थे, तो फिर हमने फिर ये कह रहे नहीं मैं बनाऊँगा आज पनीर, मेरे को अलग तरीके से बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो ये बना रहे हैं कढ़ाई पनीर। पहले इन्होंने वही खड़े मसाले डाल दिए थे, जैसे लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता। जैसे वो हो गया, उसके बाद प्याज और मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। उसके बाद इन्होंने फिर टमाटर और अदरक का पेस्ट डाल दिया। और जैसे ही वो हो गया, उसके बाद इन्होंने मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिला के यही डाल दिया था। और बस इसको चलाने लग रहे हैं, तो बस ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ते। मतलब बहुत लेट खाना खाया था हमने उस दिन, तो फिर यही कह रहे थे कि मैं बनाऊंगा। मैंने सारी प्रिपरेशन मैंने कर दी थी, पर ये इन्होंने बनाया। और लाइट चली गई थी बीच में, तो वीडियो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, इसलिए मुझे दिखाना कोई ज़रूरी नहीं समझा, फिर मैंने बेकार था ना। तो जैसे ही मसाला हो गया ना, फिर इन्होंने पनीर और जो शिमला मिर्च है ना और थोड़ी सी प्याज, इन सबको कट करा था, तो बस उन सबको इसमें डाल दिया है। मतलब थोड़ा मोटा मोटा सा, आप देख रहे होंगे ना, मोटा मोटा सा कटा रखा था। थोड़ा एक छोटा सा प्याज कट किया था, चार पांच हिस्से करके उनकी कलियां खोल दी थी, और एक शिमला मिर्च। और पनीर अभी इन्होंने डाला नहीं है, तो अभी बस इनको ही पकाएंगे पहले। तो ये पानी डाल रहे हैं इसमें ग्रेवी के अनुसार, कि कितना ग्रेवी भी हमें रखनी है, क्योंकि जो कढ़ाई पनीर होती है वो सूखा सूखा सा बनता है, तो रसीला सा नहीं बनता है, तो इसीलिए। तो अब ये इसको इस तरीके से ढक के रख देंगे और इसे छोड़ देंगे ऐसे ही, जब तक ये अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। और फिर इसे हमने जब देखा हट के, तो देखो आप, ऑयल बिल्कुल आ चुका है और जो शिमला मिर्च है वो भी हो चुकी है, प्याज भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। तो यही इसको देखो, इसे दबा दबा के देख रहे थे। उसके बाद जो पनीर जो है वो कट करके डाला था, तो वो मिला दिया है अच्छे से। और बस इसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसे कवर करके दो से तीन तीन चार मिनट अच्छे से पकाएंगे, जिससे पनीर के अंदर भी है ना वो हो जाए, उसके अंदर है ना वो स्मेल आ जाए, सॉरी जो ग्रेवी का टेस्ट आ जाए। तो मैंने अभी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था, इन्होंने कहा कि अभी डाल दे, मैंने कहा ठीक है। और देखिए अब इन्होंने कवर करके रखा था, उसके बाद थोड़ा सा करने के बाद दी गई है फ़ोटो ले, अपनी डिश बनी हुई होती है ना, तो ये फ़ोटो लेके फिर अपना इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, क्योंकि इनको अच्छा लगता है कुकिंग करना और ये बहुत ही डिलीशियस एंड बहुत ही अच्छी कुकिंग करते हैं, बहुत टेस्ट आता है सब्ज़ी में इनकी में, और बहुत गजब की सब्ज़ी बनी थी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ बना रहे हैं हम जीरा राइस, क्योंकि एक कटोरी चावल रखे हुए थे, तो बस उसी को हमने, मतलब वो रात के रखे हुए थे और जीरा डाला तेल में, तेल होने के बाद चावल डाल दिए थे और बस अच्छे से फ्राई कर लिया, हल्का सा नमक डाल दिया है। तो ये हमारे बन गए जीरा राइस। तो बस थाली है हमारी पनीर की और जीरा राइस की, और ये सही कह रहे हो, तुमने एक चीज नोटिस की, हम दोनों नहीं सुनाई थे ना, येलो येलो नहीं पड़ रहे हैं, और क्या पर अब ये ध्यान रखिए, पीप का ना पैकेट मंगा ले, और जैसे ही हाथ फ्री हो जाए ना, तो ट्राई कर जाएगा, छोटे छोटे फूल, छोटे छोटे से फूल, वैसे ये नहीं बनती है, ड्राइंग करती हूँ। सही है, तुम्हारी लिप सही चल रही है, लिप से रुक रुक के चल रही है, तो यहाँ पे हम सब आ गए हैं नीचे। ये आंटी का घर है, हमारी जो ऑनर है उनका घर है, तो आंटी बैठी हैं और उनकी जो बहू हैं वो बैठी हैं, भाभी मतलब मैं बैठी हूँ, और जो हमारे पीछे और ईशा बैठी है, जो आपने मेरे एक दो व्लॉग में देखी होगी। तो हम सब मिलके यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं, मतलब आती हम चारों में से किसी को भी नहीं है, बस फिर भी देख देख के फ़ोन में ही हम टेढ़ी मेढ़ी अपने लगा रहे हैं मेहंदी,
तो हंस भी रहे हैं हम अपनी हरकतों पे कि मतलब ऐसे बना ले वैसे बना लेते हैं, चल ऐसे कर लेते हैं, सब अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हाथों में। तो हमेशा है, मुझे यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं, हमेशा ही है, कोई भी त्यौहार हो हम मिलके ही मेहंदी लगाते हैं इकट्ठा ही, चाहे वो करवा चौथ हो या तीज हो या कोई भी, तो हम इकट्ठे आ जाते हैं और मेहंदी लगाते हैं। तो क्योंकि आज करवा चौथ में तो फिर भी हम है ना पार्लर में चले जाते हैं, पर लास्ट टाइम नहीं गए थे क्योंकि मिला नहीं था कोई। और अब हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम थोड़ी थोड़ी अपनी कोशिश करते रहेंगे और एक दिन मेहंदी अच्छी लगाने सीख जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज शायद ख़राब कर रहे हैं तो कल अच्छा भी करेंगे, तो ये सब टाइम टाइम की बात होती है। तो यहाँ पे बस हम लोग हंसते मजाक करते हुए बस ऐसे ही हमारा टाइम पास सा होता जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और पता है टाइम कितना हो रहा होगा, आई थिंक 11 बज रहे हैं और हम इतने बजे, क्योंकि 10:30 बजे तो मैं खाना बिना खा के घर की क्लीन करके मैं नीचे आई थी, बर्तन नहीं मांजे थे बस, तो मैं आ गई थी। मैंने कहा इससे ज़्यादा लेट। और यहाँ पे लगाते लगाते मुझे एक कमेंट याद आया, मेरी पुरानी वीडियो में एक कमेंट आया था, जो मतलब वो भी तीज की वीडियो है, पिछले साल की है, मतलब उसके आसपास की है वो। तो उसमें कमेंट आया था कि आप मतलब ये वाला कमेंट तो एक दो बार आ चुका है कि आप अपने है ना जो पीहर के बारे में बात नहीं करते, अपने मायके के बारे में बात नहीं करते हैं, और आपकी सावन की कोथली वगैरह नहीं आती है, या हमारे में तो सीधा कहा जाता है, मतलब सिंदारा कहा जाता है, कि वो नहीं आता है क्या आपके मायके से, कोई नहीं आता है क्या? तो मैं आपको, चलो मैं बताती हूँ कि क्या है सच्चाई। एक्चुअली मेरे घर मेरे जो मायके से बात बात होती रहती है, पर आपने ये चीज़ ध्यान दी होगी कि मैं इन नेसेसरी चीज़ें इंक्लूड नहीं करती अपने व्लॉग में, ज़बरदस्ती किसी को नहीं खींचती अपने व्लॉग में। जब कोई अगर कहने लायक बात होती है तो मैं ज़रूर कहती हूँ, और ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसा होती तो मैं अपनी सिस्टर की मैरिज और सॉरी रिंग सेरेमनी की वीडियो शेयर ना करती। और रही कोथली की बात, तो मतलब हमारे में तो सिंदारा कहा जाता है, आपके में क्या कहा जाता है मुझे ज़रूर बताना। तो जो सिंदारे की बात है वो मम्मी मेरी देती है, मतलब कुछ टाइम पहले से मम्मी ने देना शुरू किया था। आपको सभी को पता है मेरी शादी की क्या हिस्ट्री है, तो इसी वजह से मम्मी ने देना शुरू किया है, पर मम्मी देती है पर मेरे को यहाँ नहीं मिलता है, मैं मतलब मेरे यहाँ नहीं आता है वो, मेरे सिर ससुराल में ही भेज देते हैं और वो वहीं पे आता है पर मेरे तक नहीं पहुँच पाता। दुख होता है मुझे भी, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं वहाँ हूँ तो एक एक चीज़ मेरे हाथ में मैं भी देखूँ। होता है यार, हर एक लड़की को अपने पीहर का सामान में, पीहर की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, बट मेरे पास शायद मेरे नसीब ऐसे हैं कि मेरे सच में मेरे नसीब ही ऐसे हैं कि मुझे किसी चीज़ का सुख है ना ही आसानी से मिला है, ना ही शायद पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैं बहुत चीज़ें खो चुकी हूँ और मैं बहुत चीज़ें क्या मैं बोलूँ, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा। आप यही समझ लो कि शायद एक हाथ में मेरे बहुत अच्छा है, मतलब एक हाथ में मेरे ससुराल का बहुत साथ है, दूसरी तरफ मेरे मायका का भी है, बट दोनों को साथ में लेके चलना, या फिर मैं समझा नहीं पा रही आपको कह सकता हूँ। बस इतना ही समझ लीजिए कि सब चीज़ आती है, ऐसा नहीं है, बट ये है कि मेरे तक नहीं पहुँच पाती है। तो बस यहीं पे मेरी बस इसी चीज़ में, और मैं हर टाइम हर किसी की बातें नहीं कर सकती, जो चीज़ मेरे साथ होती है मैं एक्चुअल में वो बात करती हूँ। ये ना मैं मतलब बहुत टाइम हो गया है, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, ये तीज की ही क्लिप है जो मैं ऐड कर रही हूँ, और आज हमने तीज सेलिब्रेट की, तो उस वो जो व्लॉग है ना वो आपको कल मिलेगा। मतलब आज वीरवार है, मतलब थर्सडे है, तो वो फ्राइडे को मिलेगा, मे बी नहीं फ्राइडे नहीं सैटरडे को मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे को तो मेरा ये वाला ब्लॉग जा रहा है इस वजह से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, बहुत डांस है, बहुत मस्ती है, बहुत है। और पता है अभी बस मैं मुंह धोने वगैरह ही जा रही थी, शक्ल ऐसी हो रही होगी, अभी एडिटिंग कर रही हूँ, 12 बजने वाले हैं तो एडिटिंग कर रही हूँ, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पर मैं अभी है ना एडिटिंग कर रही थी तो मैंने उसमें देखा कि मैंने मेहंदी जो लगाने गई थी ना उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं, मतलब
ब्लॉग का एंड ही नहीं किया, तो फिर वो आधा अधूरा सा ब्लॉग भी डालने से अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसमें कुछ मैंने बातें क्लियर की हैं जो आप लोगों को व्लॉग में आपने देख लिए ही होगा। सो मैंने कहा चलो एंड करते हैं, अभी बस मैं सोनी जाती, और मैंने जो आज का व्लॉग है ना उसकी मैंने एडिटिंग नहीं की, क्योंकि उसकी एडिटिंग में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो वीडियो इतनी लंबी बनी है ना, इतनी लंबी, आई थिंक मैं शायद तुम्हें दो पार्ट में दे पाऊंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आप दूसरी वीडियो का भी इंतजार करना, सच में आपको मजा आने वाला है दूसरी वीडियो में। तो चलिए, और जो भी है मैंने आप लोगों को क्लियर किया ही है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और आप चीजें समझेंगे। तो नसीब नसीब की बात होती है, हर किसी के एक जैसे नसीब नहीं होते हैं, हर किसी को हर जगह से इतना प्यार नहीं मिलता है, किसी को पीहर से बहुत प्यार मिलता है, किसी को ससुराल से बहुत प्यार मिलता है, और किसी को दोनों जगहों से बहुत प्यार मिलता है। मुझे मेरे ससुराल से बहुत प्यार मिलता है, ऐसा नहीं है, तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई इच्छा सी नहीं रहती है। थोड़ा सा होता है जब ऐसा टाइम चल रहा होता है ना, तब थोड़ा सा हो रहा होता है। तो मेहंदी मैं आपको दिखा दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहाँ पे लगाई है, ये दिख रही है आपको, और ये वाला डिज़ाइन लगाया है। तो चलिए फिर, कोई बात नहीं, जैसा भी है, भगवान कहते हैं ना नसीब की बात होती है, और भगवान जिसका जैसा नसीब लिखता है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो वही वाली बात है। और आप लोगों का साथ है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, माँ बाप मेरे भी अच्छे हैं, पापा तो नहीं है, मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी सिस्टर्स अच्छी हैं, सब अच्छी हैं, बट सब अपनी घर गृहस्थी में सब बिजी हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अलग होती है, तो वो चीज़ें चलती हैं। और बस इतना ही कहना था, क्योंकि इस चीज़ पे शायद मैं पता नहीं आप लोगों को समझा पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, पर आप लोग सब समझेंगे, तो आई होप आप लोग सब समझेंगे ही। तो आप लोग भी, मेरे पता नहीं क्यों आज लिपस्टिक लगाई तो अजीब से हो गए, इसलिए मेरे को थोड़ा सा करना पड़ेगा केयरिंग, क्योंकि यहाँ है ना खुजली हो रही है, खुजली होना इवन मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, ओके? और उससे नेक्स्ट वाली वीडियो का इंतजार जरूर करना, पक्का।